राणा जी, इस मूर्ख को तो यह भी पता नहीं कि बिचौली एक राज्य नहीं बल्कि मेवाड़ का एक हिस्सा है, और अभी अभी ये अपने राजा के सामने खड़ा है। अरे कहाँ के राजा, कैसे राजा, जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? हम यहाँ केवल इतना कहने आए हैं कि यदि मेवाड़ बिजोलिया की सुरक्षा कर सकता है तो करे, अन्यथा हम स्वयं ही सक्षम है। राजद्रोह की भाषा बोल रहे हैं ये, बंदी बना लिया जाए इन्हें। धमन सिंह आप देख क्या रहे हैं, बांधिए इन्हें। रुकिए धमन सिंह, पहले हम सुन तो लें कि ये कहना क्या चाहता है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आ गया है बिजोलिया पर? राणा जी, आप मेवाड़ नरेश हैं। एक राजद्रोह की भाषा बोलने वाले की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। तुरंत इस आदमी को बंदी बना लिया जाए। रावत जी, कोई गलत बात कह रहे हैं हम? और धमन सिंह जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्षमा कीजिए रावत जी, लेकिन इसके इस सार्वजनिक राजद्रोही अपराध के लिए हमें इसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल देना चाहिए। यदि हमें पता होता कि यहां बहरे बैठे तो हम अपनी बात सुनाने यहां आते ही नहीं। बस! बहुत हो गया, हमें पहले ही धीर भाई जी की बात मान लेनी चाहिए थी। बंदी बना लो इस राजद्रोही को तुरंत। चांद भाई सब बिल्कुल ठीक है बाबूजीराज? ठीक तो होना ही था इन्हें। क्यों, अपने घाव देख रही हैं आप? इन्हें ये समझे कि ये अपने भाई को जीतने वाले किसी बड़े युद्ध से मिले घाव हैं, और वो युद्ध आप जीत चुकी हैं। वैसे आपने इतना साहस आया कैसे? दादा भाई, आप कैसी स्थिति में देखकर हमसे? इन्हें विश्राम के लिए इनके कक्ष में ले जाया जाए। बाबूजी राज, अब आपके घाव भी हमें औषधियुक्त द्रव्य से धोने दीजिए। पकड़ा जाए। कहां जाओगे पुत्र? यदि आप किसी संकट में घिर जाओ तो इस कबूतर से हमें अपना संदेश पहुंचाना, फिर हम अपना भाप लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। भागने ना पाए, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इस राजद्रोही को, कहीं भागने ना पाए।
बिजोलिया का एक नागरिक राणा जी के इतने निकट आ गया। ध्यान कहाँ था आपका धमन सिंह जी? क्या काम सौंपा था हमने आपको? क्या इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं हम आपको इसलिए देते हैं धमन सिंह जी? क्षमा कीजिए रानी साहब, दशहरे में इतनी अधिक भीड़ हो गई थी कि सब पर नजर रखना कठिन हो गया। लड़का ना जाने कैसे, कौन कहां से आया, कैसे आया, इसे देखना आपका काम है, हमारा नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि इतने वर्षों में हमने बिजोलिया और राणा जी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी है। न बिजोलिया से कोई समाचार राणा जी तक पहुंचा है और न चित्तौड़ से कोई सहायता बिजोलिया तक पहुंची है। क्या चाहते हैं कि हमारे इतने श्रम को आपकी एक साधारण भूल से नष्ट किया जाए? तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। आप चिंता ना कीजिए रानी साहब, बिजोलिया का विद्रोही लड़का कोई भी हिंसा कर पाए उससे पहले वो पकड़ा जाएगा और मार दिया जाएगा। फिर यहाँ क्या खड़े हैं, जाइए और अपना काम पूरा कीजिए। अरे सुनो, शांत हो जाओ। यदि तुम शांत नहीं हुए तो हम तुम्हें लेकर चित्तौड़ से भागेंगे कैसे? और यदि हम चित्तौड़ से नहीं भाग पाए तो जीजा बिजोलिया से यहाँ आ जाएंगी हमारी सहायता करने। इसलिए कह रहा हूँ मित्र, इस संकट की स्थिति में हमारी सहायता करो। कृपया शांत हो जाओ, चलो हमारे साथ, चलो चलो। हम तुम्हें पाताल लोग नहीं लेकर जा रहे, बिजोला लेकर जा रहे, चलो ना मित्र। ये चित्तौड़ के अश्व किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं है। अर्थात चित्तौड़ के अश्व भी यहाँ के राज्य अधिकारियों की तरह बहरे हैं। राजद्रोही पकड़ा गया है, पकड़े जाने के बाद भी इतना आत्मविश्वास, इतना घमंड। यदि हम जैसे निर्भीक नागरिकों को यहाँ राजद्रोही कहने का चलन चल पड़ा है तो हाँ, है हम राजद्रोही। तुम्हारी अनर्गल बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। साफ साफ बताओ तुमने क्या राजद्रोह किया है। तुम जैसे एक साधारण से अश्व रक्षक के प्रश्नों का उत्तर क्यों दे भला? साफ साफ प्रश्नों का उत्तर दो वरना सिपाहियों को बुला के तुम्हें बंदी बना देंगे। बताते हैं तुम्हें, वैसे भी बताना क्या है, सच तो यही है कि आज बिजोलिया का बच्चा बिजोलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है, क्षुब्ध है। मेवाड़ की उदासीनता, वैसे मान लो यदि अभी कुंवर प्रताप खिड़की से आकर आपके सामने खड़े हो जाएं और अपने किए के लिए आपसे क्षमा मांग लें तो आप उनसे क्या कहेंगी? चले जाइए यहां से। हाँ, यही कहेंगे हम उनसे। क्या और नहीं तो क्या, हमें क्या पता वो कैसे दिखते हैं अब। और हमें तो यही लगेगा ना कि ये कौन अपरिचित घुसा है यहाँ पर। सहायता देने से इनकार कर दिया।
दीपू, हमें तुरंत चित्तौड़ जाना है। जाकर सारी अवश्य तैयारियां कीजिए। जी भाई साहब। अब तुम ही बताओ, इतने न्यायप्रिय बने फिरते हैं कुंवर प्रताप, फिर बिजोली आते समय क्या हो जाता है उनकी न्यायप्रियता को, उनके राष्ट्र प्रेम को, प्रजा प्रेम को? और आज जब शत्रु हमारे द्वार पर बैठा, हमें देखे जा रहा है, आंखें दिखाए जा रहा है, तो हम ऐसे समय में भी हमें यहां से किसी भी सुरक्षा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम भी कैसे मूर्ख हैं, सैनिकों से भागने के अतिरिक्त यहां तुम्हें अपनी दुविधा सुना रहे हैं। बंदी नहीं बनना चाहते हो तो चुपचाप यहां से भाग जाओ। क्या तुम हमारी यहां से भागने में सहायता कर रहे हो? नहीं, यदि हमारे कारण तुम्हें कुछ हो गया तो जीजा हमें छोड़ेंगी नहीं। अगर ऐसी बात है तो अपनी जीजा से कह देना कि कोई हमें यह हाथ तक नहीं लगा सकता। अब जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें बंदी बना ले। जाओ यहां से। अपने सिपाहियों से कहिए उसे जाने दे। किंतु बाऊजी राज, वो राजद्रोही है। और हम इस राज्य के युवराज हैं। हुक्म। जब भी बिजोलिया की बात सामने आई है, उसने सदा हमें मरमान तक पीड़ा ही पहुंचाई है। आज जब वो बिजोलिया का लड़का हमसे अपमानजनक ढंग से बात कर रहा था, तो हमें वो दिन याद आ गया जब हम अपने प्रिय मित्र के अंतिम दर्शन करने गए थे। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहां से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। और ध्यान रहे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान। और वहां अंसा बाई जी ने हमारा अपमान कर दिया था। भूल जाइए पुरानी बातों को राणा जी, हमें तो आपको ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज सारी भूल कुंवर प्रताप की थी। अब आप ही बताइए, पट्टा को भगाने की क्या आवश्यकता थी? राजद्रोही के साथ तो कठोरता दिखानी पड़ेगी ना। पट्टा बिजोलिया से आता है तो उसके अपराध क्षम्य हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना कि राजद्रोही होता है। खमागणी दाजी राज, कुंवर प्रताप, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक राजद्रोही को भगाने में सहायता कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि बिजोलिया का मेवाड़ से अब कोई नाता नहीं है? फिर कैसे होने दिया आपने? बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं आप चित्तौड़, एक बार फिर अपमानित होना चाहती हैं क्या? अरे पत्ता कोई तो छुड़वाना है, ये कार्य तो हम राजनीतिक स्तर पर भी सुलझा सकते हैं ना, इसके लिए आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, बात केवल पत्ता की नहीं, बात हमारे स्वाभिमान की है। बिचौलिया की सहायता के लिए जिसे हमने वहां पर संदेश लेकर भेजा था, उस पर आक्रमण करके उन्होंने हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण किया है। बिचौलिया के स्वाभिमान पर आक्रमण किया है। जिस चित्तौड़ ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, जिस चित्तौड़ के कारण आपकी माँ विधवा हो गई, उसी चित्तौड़ के राजा के सामने हाथ फैलाएंगी आप?
क्या कहेंगी? यही ना, चित्तौड़ की बहू बिजौलिया के वीर पुत्र के लिए आपसे दया की भीख मांग रही है। देख लीजिएगा, पत्ता तो स्वयं इस याचना का विरोध करेगा। अब देख लीजिएगा। चुप क्यों है कुंवर प्रताप? उत्तर दीजिए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए आपका। राजीराज, हमने सुना कि आपने उस लड़के को राजद्रोही घोषित कर दिया क्योंकि उसने बिजोलिया को एक राज्य कह दिया था। बिल्कुल, उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे यह नहीं पता था कि बिजोलिया मेवाड़ का एक अभिन्न अंग है? आपने अभी जो बातें कही उससे तो कुछ और ही आभास हो रहा है हमें। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब हम भी तो यही कह रहे हैं इतनी देर से कि बिजोलिया से हमारा कोई नाता नहीं। बिजोलिया का सदस्य, बिजोलिया की समस्या, बिजोलिया का राजद्रोही, जबकि वो लड़का, वो तो बिजोलिया का राजद्रोही है ही नहीं और ना ही वहां की जनता। जब बिजोलिया मेवाड़ का अभिन्न अंग है तो फिर वो हमारी प्रजा है, मेवाड़ की प्रजा है। अगर प्रजा किसी कारणवश हमसे रूठ जाए, अगर वो अपने राजा से किसी कारणवश कोई शिकायत करे तो उनसे तो फिर आपके पास क्या उपाय है अपनी इस तथाकथित प्रजा की समस्या के निदान का? हम बिजोलिया जाके अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वहां की समस्या क्या है, स्थिति कैसी है। हम बिजोलिया जाके अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वहां की समस्या क्या है, स्थिति कैसी है। प्रताप, हमें कुछ समय चाहिए इस विषय पर सोचने के लिए। जीता जी राज, चलते हैं रानी मां। हमें कुंवर प्रताप को रोकना होगा, वरना हमारे इतने सालों का बना बनाया खेल समाप्त हो जाएगा। हम वहां पर चित्तौड़ की बहू बनकर नहीं बल्कि मेवाड़ की बेटी बनकर जा रहे हैं माँ, क्योंकि आज भी बिचौलिया मेवाड़ का ही अंग है, भले ही हम वहां के राज परिवार में बहू बनने के अधिकार से वंचित हो चुके हो, पर मेवाड़ की प्रजा के नाते हम अपने नागरिक अधिकार तो उठा ही सकते हैं। अपमान सहने के बाद भी आपने बना ही लिया है चित्तौड़ जाने का अपना मन। हम